हमारे साथ हैं पीडीपी के राज्यसभा से सांसद नजीर अहमद लावे। लावे जी, पहले दिन जब सत्र शुरू हुआ था, आप लोगों ने संसद के बाहर एक छोटा सा प्रोटेस्ट किया था कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद, और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अब स्थिति बिल्कुल सामान्य है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, एक तो आपने कहा आपने छोटा प्रदर्शन किया, हमने बड़े जोर जोर से वहाँ से ये जो हमारी सरकार है उसका ध्यान कश्मीर की तरफ ले जाना चाहते थे, तो हमने प्रोटेस्ट कर दिया और अंदर भी हमने प्रोटेस्ट कर दिया। हम इस बात की प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो इस देश के हिस्से हैं और कश्मीर घाटी के लोग इस देश के मतलब करीबी साथी हैं, सिटेट रहे हैं। इनके साथ जो भेदभाव हो रहा है हमारी नज़र में, क्योंकि साढ़े तीन महीने से वहाँ बंद पड़ा हुआ है, सिविल कर्फ्यू लगा हुआ है, किसी ने नहीं कहा कि हड़ताल कर दो। इस मामले में हम यहाँ का साहिबान है, होम मिनिस्टर साहब है या प्रधानमंत्री है, कि वो कश्मीर जाकर कश्मीरियों को अडॉप्ट करें, कि कश्मीरियों को लगे जो कश्मीरियों में गुस्सा है, नफरत बढ़ी हुई है, उनको लगेगा कि हमारे पीछे हमारा देश है। वो अभी तक नहीं हो रहा है। हम बार बार यही प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ से एक टीम भेज दिया जाए ताकि वहाँ के कश्मीर में वो बात करें, कश्मीर से बात करें, कश्मीर के लोगों में जो जख्म लगे हैं उन जख्मों को मरहम की ज़रूरत है। सर, जब राज्यसभा में गृह मंत्री जी अपना वक्तव्य दे रहे थे, उस वक्त विपक्ष से लोगों ने कहा, उनकी बात नहीं माने, तो उन्होंने ये भी कहा कि आप मुझे ऑफिशियली चैलेंज करें अगर मैं जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि 144 ज़्यादातर जगहों से सब जगहों से सारे जितने भी पुलिस स्टेशन है वहाँ से हट गया है, सिर्फ शाम के टाइम में कुछ वक्त के लिए लगाया जा रहा है। जो भी उन्होंने कहा है कि नॉर्मेलिटी रिटर्न होने के जो भी बताए हैं साइंस, क्या वो सारे आपको वहाँ पर, आप अभी कश्मीर से होकर आए, आपको ग्राउंड पर नज़र आए? नहीं, ग्राउंड पर जो पहले से बहुत हालात ठीक हैं, जो गृह मंत्री ने कहा कि पहले से हालात बेहतर हैं, वो तो ठीक है, लेकिन कम्प्लीटली बेहतर कब होंगे? आप अंदाज़ा कर दे, 3 महीने से हमारे बच्चे स्कूल नहीं पा रहे हैं, अब एग्ज़ाम हो रहा है, आने वाले कल में जब कंपटीशन एग्ज़ाम होगा सारे देश में, तो वो क्या करेंगे, वो बच्चे कहाँ पहुँच जाएंगे? प्रधानमंत्री कहते हैं बिल्कुल हालात ठीक है, ये गृहमंत्री कहते हैं कि बिल्कुल हालात हैं। वहाँ जो मेन सिटी के लीडर जो हैं, जिनमें एक थ्री चीफ मिनिस्टर्स हैं और MLAs भी हैं और मिनिस्टर जो रहे हैं तीन बार चार बार, वो बंद है। इसका मतलब ऑटोमेटिकली है कि हालात इतने सामान्य नहीं है। अगर हालात बिल्कुल ठीक हैं तो उनको छोड़ा जाए, उनको क्यों नहीं छोड़ जाते हैं? इसीलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि उनको भी छोड़ा जाए, जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर है वहाँ, जो भी कहीं बंद है, चाहे होम हाउस अरेस्ट है चाहे जेल में है, उनको छोड़ के फिर सब लोगों के साथ बात की। हम चाहते हैं कि हालात जम्मू कश्मीर के ठीक होने चाहिए, खासकर घाटी के।